इनको 150 करोड़ रुपए इन्होंने दिल्ली सरकार का, उसमें मेरा भी तो हिस्सा है भाई। ये तमाम लोगों को इन्होंने घूस खा करके उनको दिल्ली पूरी सौंप दी कि भैया लूट लो दिल्ली को, और 21 साल के नौजवान जाकर के दारू खरीदो, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। ये शिक्षा मॉडल है, ये जो पॉलिसी थी क्यों वापस ली? अगर आप गलत नहीं थे तो आपने कंप्यूटर में से आपने डाटा क्यों उड़ाया? तो ये तमाम सवाल हैं। देखो, चोर मचाए शोर, ये सारे चोर महाचोर हैं, इन्होंने हमारा SC ST का पैसा खाया है। इसमें ये जो दिल्ली सरकार के पैसे से बनी है यूनिवर्सिटी, हमारा SC ST का रिजर्वेशन क्यों नहीं है? भगत सिंह मत बनो, तुम्हारी औकात नहीं है भगत सिंह बनने की। तुम महाचोर हो, तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम्हें जवाब देना है। क्या कहें अज्ञानी जी, मनीष सिसोदिया जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो कानून है वो अपना काम कर रहा है, और वो अब सुप्रीम कोर्ट में बेल लगाई है ऐसी खबर मिली है, और वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि भाई इनको जमानत देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये जो घटना हुई है, गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इसका विरोध मैंने खुद पर्सनली किया था केजरीवाल के घर पर जा कर के। कोरोना में हम गए थे जब इन्होंने पॉलिसी बदली थी, ये शराब की एक्साइज पॉलिसी को जब इन्होंने चेंज किया पुरानी, तो हम भरी जिस उस समय किसी को आने नहीं दे रहे थे, हम जैसे तैसे 5 लोग जा कर के हमने केजरीवाल साहब को प्रतिवेदन दिया कि भाई ये गलत है, इसमें SC ST का 22.5% रिजर्वेशन जा रहा है, इसमें हमारे सफाई कामगारों की 2000 से ज़्यादा पक्की नौकरियां जा रही हैं, और तीसरा ये कि हमारा जो बजट है, जो करीब करीब 5000 करोड़ से ज़्यादा पैसा आता है एक्साइज के, इससे शराब से, इसके ठेकों से, सरकारी ठेकों से जो टैक्स का पैसा आता है, उस पैसे में भी हमारा हिस्सा है, और जब सरकार पे आएगा जब तो हिस्सा है, तो हमने इसको सब बताया था। और तीसरा सबसे चौथा सबसे बड़ा विरोध हमने ये किया था इनका कि इसने जो एज घटाई थी जो नौजवानों की, जो अभी अभी पुरानी पॉलिसी से अभी भी हो गई है, वो 25 साल का आदमी जाके ठेके पे दारू ले सकता है, लेकिन इसने क्या किया था कि 25 साल को घटा के 21 साल किया था, और उसके बाद हमने इसको ये कहा। और तीसरा इन्होंने सबसे ज़्यादा ये किया था कि इन्होंने गली गली में ठेके खुलवाने का, उनका कि एक ब्लॉक में 60 से 70 दारू के ठेके खुलेंगे, तो मतलब एक तरह से एक पूरी गली में एक दारू का ठेका खुलने का इन्होंने प्रावधान ऐसा बना लिया था। और चौथा इन्होंने ये कर दिया कि एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री, और एक बियर की पेटी के साथ एक बियर की पेटी फ्री, तो उससे एकदम से तमाम समाज में अव्यवस्था पूरी तरह से फैल गई। तो हमने उसका विरोध किया था कि ये नई शराब नीति बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे माफिया पैदा होंगे, करप्शन पैदा होगा, और जो गरीब कमजोर तबके हैं उनके संवैधानिक अधिकार खत्म होंगे। लेकिन पार्टी के तमाम लोग बोल रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। नहीं, तो बोलेंगे, उनकी पार्टी के लोग हैं वो तो बोलेंगे, और जो SC ST के लोग, बताओ हमारे वो नेता वो वहाँ जा रहे हैं, वो बेवकूफ को ये नहीं पता कि तुम्हारा अधिकार मारा इसने, यही सिसोदिया है इसने, कि 50 जो सरकारी स्कूल हैं, 50 सरकारी स्कूल बेचने की इन्होंने बना लिया है, और 50 सरकारी स्कूल बिक जाएंगे तो किसका नुकसान होगा? SC ST के बच्चों का ना, जो इन्होंने पैसा लगाया दिल्ली सरकार का, हमारा 38,000 करोड़ रुपये SC ST का जो हमारा कंपोनेंट प्लान का पैसा था, हमारे लोगों के रोजगार का, सब रोजगार का पैसा इन्होंने वहाँ फ्री बिजली पानी में और इसमें उड़ा दिया उसको, और अब जो सरकारी स्कूल हैं उनको तुम प्राइवेट कर रहे हो, 50 मर्ज करके 50 सरकारी स्कूल ये बेच रहे हैं, और इन्होंने 2-3 अच्छे स्कूल बना करके बता दिया जी हमने बड़ी अच्छी शिक्षा वो कर दिया, सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, बताओ देश का सर्वश्रेष्ठ इसको बता रहे हैं, शिक्षा अधिकारी मिनिस्टर बता रहे हैं, जबकि केरला का सबसे बड़ा टॉप मॉडल है एजुकेशन का, सबसे बेस्ट मॉडल केरला का है, कि वहाँ केरला में जो शिक्षा की व्यवस्था है सबसे बढ़िया है, गवर्नमेंट शिक्षा व्यवस्था, और ये आदमी, इसने एक टीचर भर्ती नहीं करा, ठीक है, इन्होंने एक नया स्कूल नहीं बनाया, इन्होंने कोई इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं दी, और ये कह रहे हैं कि टॉप एजुकेशन सिस्टम कर दिया, कहाँ कर दिया भाई, हमें बताओ, 4 स्कूल सुंदर बनाने से वहाँ क्या बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर हो जाएगा? वो संगमरमर पढ़ाएगा या वो कंप्यूटर चल के पढ़ाएंगे? टीचर दो भाई, टीचर परमानेंट टीचर चाहिए, कितने टीचर भर्ती करें आपने ये बताओ हमें, कितने आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले टीचर्स के लिए? आप विदेश भेज रहे हो चंद टीचरों को, करोड़ों रुपए खर्चा आएगा, उसकी एवज में दिल्ली में ट्रेनिंग सेंटर खोलो, विदेश से 1-2 टीचर मंगा लो यहाँ, उससे पढ़वा दो अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अगर आपका मॉडल देखना, आजकल तो पूरा हाईलाइट, पूरा दुनिया आसमान अंतरिक्ष से जुड़ी है, आप ऑनलाइन देख लो भैया वहाँ का कैसी स्कूल की व्यवस्था है, कैसा क्या है, ऑनलाइन देख लो। इन्हीं वजह से गिरफ्तारी हुई क्या उनकी?
गिरफ्तारी हुई है 150 करोड़ रुपए। देखिए ये जो 150 करोड़ रुपए हैं जो लाइसेंस फीस के आने थे प्राइवेट लालाओं से, जो नई इन्होंने पॉलिसी बनाई थी उसके हिसाब से 150 करोड़ रुपए 144 करोड़ रुपए वो सरकारी खाते में आने थे, इन्होंने वेव ऑफ कर दिए। और उस वेव ऑफ कर दिए तो ना तो अधिकारियों को मुख्य सचिव को बताया, ना उसको LG को बताया रिपोर्टिंग की, इन्होंने चुपचाप ही अपने आपस में करके और उसको उनको 150 करोड़ रुपए इन्होंने दिल्ली सरकार का, उसमें मेरा भी तो हिस्सा भाई है, एक एक नागरिक का हिस्सा, तुमने कैसे उसको वेव ऑफ किया, उन उन प्राइवेट सेक्टर में दिया तो प्राइवेट लालाओं से पैसे तो ले लो भाई। और इतना ही नहीं 2000 करोड़ की घूस का भी इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, शराब माफिया थे साउथ के, जिसमें चंद्रशेखर राव की लड़की का भी नाम आ रहा है, ये तमाम लोगों को इन्होंने घूस खा करके उनको दिल्ली पूरी सौंप दी कि भैया लूट लो दिल्ली को, जो मर्जी करो, नकली दारू बेचो, एक के साथ एक फ्री बेचो, दिल्ली वालों को नशेड़ी बनाओ और 21 साल के नौजवान जा करके दारू खरीदो, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, ये शिक्षा मॉडल है, ये तुमने किया है, तो इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं जो साबित हो रहे हैं। भाई 20-25 तूने मोबाइल फोन क्यों बदले, आपने जगह आपने गलत नहीं करा तो आपने फिर ये शिक्षा, ये जो पॉलिसी थी क्यों वापस ली, अगर आप गलत नहीं थे तो आपने कंप्यूटर में से आपने डाटा क्यों उड़ाया, तो ये तमाम सवाल हैं जो कि कोर्ट के सामने जा करके, कोर्ट ने कल क्यों क्यों कचरी दी, क्योंकि कोर्ट को लगा कि भाई इसके पास प्रूफ जो है, जो CBI ने एजेंसी ने जो पेश किए हैं उसमें कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सांसद संजय सिंह है वो लगातार बोल रहे हैं कि ये BJP जो है गलत तरीके से मनीष सिसोदिया को फंसा रही है। देखो चोर मचाए शोर, ये सारे चोर महाचोर हैं, इन्होंने हमारा SC ST का पैसा खाया है, हमें इन्होंने बर्बाद किया, 38,000 करोड़ रुपए इन्होंने हमारे बिजली पानी में फ्री दे दिए, और पिछले बार का बजट दिल्ली सरकार का 22-23 का हमारा SC ST कंपोनेंट प्लान का पैसा है उसको इन्होंने जनरलाइज कर दिया, और केजरीवाल एंड कंपनी इस देश के अंदर पहली सरकार हो गई जिसने दिल्ली में 2020 में स्किल्ड एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी बनी दिल्ली सरकार की, उसमें SC ST के विद्यार्थियों का रिजर्वेशन नहीं लागू किया। मैंने चिट्ठी दी 2020 में कि इसमें ये जो दिल्ली सरकार के पैसे से बनी है यूनिवर्सिटी, हमारा SC ST का रिजर्वेशन क्यों नहीं है, इसने सफाई कर्मचारियों से धोखा किया, इसने ठेकेदार कर्मचारियों से धोखा किया, इसने कहा था मैं ठेकेदारी खत्म करूंगा, ये वो बेईमान लोग हैं जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से सब ये सबके सब जेल जाएंगे, सारे के सारे जेल जाएंगे, ये खुद कहते हैं बताओ स्वयंभू ईमानदार कट्टर ईमानदार, और अब पता चल रहा है सारे करप्शन के ला इनके ऊपर लग रहे हैं। एक इनका नेता बैठा है स्वास्थ्य मंत्री 1 साल से जेल में, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया भैया मैं तेरी जमानत नहीं दे सकता, तो इसका मतलब अभी देखो सुप्रीम कोर्ट जब मना कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तुरंत 2 घंटे में जमानत दी ना कांग्रेस के नेता की, क्योंकि लग रहा था वो गलत फंसाया जा रहा है। कोर्ट को सामने जब साक्ष्य आते हैं, जब केस आता है तो कोर्ट एक नजर में पहचान लेता है कि ये फर्जी है या असली है, तो इसीलिए कोर्ट को लग रहा है कि इन्होंने गड़बड़ की है, इसलिए इनकी जमानतें नहीं हो रही हैं और इनको जवाब देना चाहिए। ये सब ये रोड शो मत करो, भगत सिंह मत बनो, तुम्हारी औकात नहीं है भगत सिंह बने की, तुम महाचोर हो, तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम्हें जवाब देना है। भगत सिंह का फोटो तो दुर्भाग्य है ना, ये शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब का भी इन्होंने नाम लेना बंद कर दिया। ये जब शिवसेना के यहाँ पर गए पिछले हफ्ते 4 दिन पहले वहाँ पर गए, वहाँ पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी से मिल करके आए, तो इन्होंने वहाँ पर भगत सिंह का तो नाम लिया और राजगुरु का नाम लिया कि महाराष्ट्र से राजगुरु आते हैं, मगर महाराष्ट्र से तुमने फोटो तो दिल्ली में पंजाब में बाबा साहब की लगा रखी है वोट लेने के लिए, लेकिन वहां पर तुमने बाबा साहब का नाम क्यों नहीं लिया, बाबा साहब भी तो महाराष्ट्र से आते नहीं आते, तो वहां पे तुमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। बाबा साहब को सिर्फ ये जो पंजाब में 32% SC हैं, दिल्ली में करीब करीब 30% से ज्यादा SC हैं, हजार लाखों की तादाद में उनका वोटर है, इसलिए उनको बेवकूफ बनाने के लिए उनकी भावनात्मक उनका लाभ उठा करके वोट लेने के लिए बाबा साहब की फोटो 2 राज्यों में लगाई है, ये मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ।